हर जीव अपने जीवन काल में निज योनि प्रकृति के अनुसार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, जिसमें पशु योनि तो केवल भोग योनि मानी जाती है, इसलिए कि पशुओं का संबंध मात्र भोगों तक ही सीमित है। इसे अज्ञानता की सीमा के अंतर्गत माना जाता है, परंतु मनुष्य योनि मात्र भोगों के लिए नहीं, अपितु उन सभी उपायों एवं योग साधनों को जानने के लिए है, जिनसे वह जीवात्मा निम्र भोगों की दासता से मुक्त हो सके। कैद की अवस्था में जीवन दुखी और स्वतंत्रता का जीवन सदैव सुखी रहता है। जिस प्रकार भूखा प्यासा व्यक्ति भोजन तथा जल की खोज करता है, वैसे ही सच्चा जिज्ञासु सांसारिक क्लेशों से मुक्त होने का मार्ग खोजता है। जिज्ञासु की कठिन लग्न एवं दृढ़ संकल्प उसे सद्गुरु की शरण में ले जाते हैं। सद्गुरु सांसारिक मोह माया से मुक्त तथा त्याग विवेक वैराग्य से संपन्न होते हैं। उनका जीवन सहज सरल एवं परहित में परम शांतिमय एवं सुखदायी होता है। उनके सत्संग में जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है तथा कठिन से कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं। सद्गुरु की भक्ति एवं अलौकिक आनंद की उपलब्धि होती है तथा साधक सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। कबीर साहिब गुरु जिज्ञासुजनों को स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि साधारण असाधारण देवी देवता अथवा भले ही ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, परंतु बिना सद्गुरु के जीवन कल्याण नहीं हो सकता। अतः निःसंकोच हो, सद्गुरु को भेंट कर, उन्हें निष्काम सेवा से प्रसन्न करो। उनके आशीर्वाद प्रवचन से ही यह मानव जीवन सार्थक होगा। इस संसार में सद्गुरु के समान कोई नहीं है। सातों द्वीप, नौ खंडों, तीन लोकों और 21 ब्रह्मांडों में भी सद्गुरु के समान कोई नहीं पाओगे। अर्थात सद्गुरु की गुण महिमा सर्वोपरि है। उनके ज्ञानोपदेश से जगत का ही उपकार होता है, वह किसी अन्य से नहीं होता। इस संसार में सद्गुरु के समान अपना सगा संबंधी भला कौन है? अर्थात कोई नहीं। सभी नाते रिश्ते स्वार्थ के हैं। साधु संत के समान कोई दानी भी नहीं है। परमात्मा के समान इस जीव का कोई हितैषी भी नहीं है। परमात्मा के भक्त के समान भला कोई उत्तम जाति अथवा समाज कहाँ कौन हो सकता है? अर्थात कहीं कोई नहीं। सद्गुरु की महिमा का कोई वार पार नहीं है, वह तो अनंत और अगम है। सद्गुरु ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है वह भी अनंत है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार की हमें अनंत ज्ञान दृष्टि प्रदान की है। सद्गुरु सच्चे शूरवीर हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है और न ही वे कहीं युद्ध करने जाते हैं। वे अपने प्रिय शिष्य की नीचे से ऊपर तक की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने ज्ञान रूपी शब्द बाण से हृदय को चूर चूर छलनी कर देते हैं, लेकिन बाहर से उसके घाव दिखाई नहीं पड़ते। सद्गुरु सच्चे शूरवीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वे शिष्य की बुराइयों व अज्ञानता पर ध्यान रूपी शब्दों को मारते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, शिष्य सेवक को इन छोटों को प्रेम से सहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। जो सद्गुरु की शरण में नहीं आते, उनको बार बार हानि ही होती है। जीवन के क्लेशों को मिटाने वाले तो सद्गुरु ही हैं। जो गुरु की शरण में नहीं आते, यूं ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों लोकों में काल का राज्य है। सद्गुरु स्वयं सत्य स्वरूप हैं और सत्य का रहस्य बताने वाले हैं। वह शिष्य धन्य है और उसका भाग्य भी धन्य है, जो ऐसे सद्गुरु को पाकर अपने स्वरूप का ज्ञान पा लेता है, अर्थात इस भौतिक जगत में माया मोह को पार कर लेता है। सद्गुरु ने प्रसन्न होकर एक ऐसा प्रसंग कहा कि उसका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। उसे हृदय में प्रेम का बादल घुमड़कर बरसने लगा, संपूर्ण तन रोमांचित हो गया तथा अंग अंग भीग गया। सद्गुरु का वह अलौकिक प्रसंग आत्म साक्षात्कार की साधना ही है, जिसको जानकर जिज्ञासु भक्त खुशी से फूले नहीं समाते। यदि सद्गुरु मिल गए तो जानो सब मिल गए, फिर कुछ मिलना शेष नहीं रहा। यदि सद्गुरु नहीं मिले तो समझो कोई नहीं मिला, क्योंकि माता पिता पुत्र और भाई तो घर घर में होते हैं। ये सांसारिक नाते सभी को सुलभ हैं, परंतु सद्गुरु की प्राप्ति दुर्लभ है। सद्गुरु का मिलना तभी जानो जब ज्ञान का उजाला हो जाए।
अर्थात अपने अंतकरण का अज्ञान रूपी तिमिर नष्ट हो जाए, अपने अंदर जो भ्रम है उसका भांडा तोड़कर हम अपने अद्भुत स्वरूप को प्राप्त हो जाएं। जब तक हृदय में संशय भ्रम होते हैं तब तक आत्मदर्शन नहीं होते। जो सद्गुरु के उपदेश को नहीं मानता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता और उल्टी सीधी बातें बोलता है, कबीर साहब कहते हैं कि उसका क्या करें, उसका कोई उपाय नहीं है, वह मनमुखी होकर कुछ और हो गया है। गुरु सेवा और उनकी आज्ञा से अलग हुए व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। हम लोग अज्ञानता में बिना सोचे समझे सांसारिक मान्यताओं के पीछे लगे रहते हैं, अपना अनमोल समय यूं ही नष्ट करते रहते हैं, परंतु जब रास्ते में सद्गुरु का दर्शन होते हैं तो वे ज्ञान का दीपक हाथ में दे देते हैं, जिससे सांसारिक मोह का अंधकार दूर हो जाता है। जब शिष्य ने सद्गुरु को मन ही समर्पित कर दिया तो समझो सब कुछ दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर भी है, इसलिए वह भी मन के साथ ही समर्पित हो गया। तन मन के द्वारा ही सब कार्य होते हैं, अतः वे सब भी सद्गुरु को ही अर्पित हो गए। कबीर साहब कहते हैं कि अब देने को शेष रहा ही क्या, जिसे खोजते खोजते ब्रह्मा जी थक गए, सुर मनुष्य मुनि तथा देवता सभी थक गए परंतु पा न सके। कबीर साहब कहते हैं कि हे साधो, तुम सुनो, सद्गुरु की सेवा करो, तुम्हें परम शांति सरलता से प्राप्त हो जाएगा। बिना सद्गुरु के उसे ढूंढने पर कोई नहीं पा सकता। जाने कितने लोग शास्त्रों को पढ़ते गुणते यूं ही मर गए, जाने कितने योग क्रिया करने वाले, यज्ञ करने वाले तथा तप व्रत करके हार थक कर समाप्त हुए, परंतु बिना सद्गुरु के परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती। चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, भले ही उसे सब कुछ मिल जाए, परंतु आध्यात्मिक मार्ग बिना सद्गुरु के संभव नहीं। चार खानियों में भटकता भरमता हुआ यह जीव कभी भी पार नहीं लग सकता था, चक्कर लगाता हुआ यूं ही घूमता रहता। सद्गुरु के मिलने पर उनके दया उपकार से वह बंधन खत्म हो गया। सद्गुरु ज्ञान द्वारा भ्रम जंजाल से मुक्त हुआ। क्लेशों से मुक्त होने के लिए इस संसार में अनूठी सुंदर युक्ति है, जैसे महात्माओं की संगति और गुरु का ज्ञान। परंतु उनमें भी सबसे सुंदर बात यह है कि सद्गुरु के वचनों पर कान दो, अर्थात उनके ज्ञान प्रवचन का अनुकरण करो। कबीर साहिब कहते हैं कि जिन जिज्ञासु भक्तों को पूर्ण सद्गुरु मिल जाते हैं, उनका चित्त सुंदर, मन निर्मल हो जाता है और वे उत्तम बुद्धि वाले, धैर्यवान व साहसी होते हैं। फिर वे कभी भी किसी कपट प्रपंच में पड़कर धोखा नहीं खा सकते, अर्थात वे सही निश्चय वाले बन जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि कोई समझा हुआ व्यक्ति ही अपनी जानी हुई बात कहता है और वही पानी की गहराई बता सकता है, परंतु उसकी बात न मानकर कोई जहां घाट न हो पानी में डूबकर मर जाए तो इसमें कोई क्या करे। इसी प्रकार यदि कोई सद्गुरु की शिक्षा न ग्रहण कर जग में ठोकर खाकर मरे तो इसका कोई उपाय नहीं है। जब सद्गुरु हजूर साहिब पूर्ण रूप से मिले और उनका ज्ञान ग्रहण किया तो सत्य का साक्षात्कार हुआ, फलस्वरूप अनंत सुख सागर से हृदय भरपूर हो गया। जो ढेर सारे दुष्कर्मों का पाप था वह सहज ही नष्ट हो गया, अर्थात ज्ञान होने से पुण्य कर्म होने लगे। यही सद्गुरु का सार उपदेश है। जो इस पर विश्वास करे और उसे सच माने, सद्गुरु के उपदेशानुसार चलने वाला शिष्य सब कर्म भ्रम को त्यागता इस संसार सागर से तर जाता है। निस्संदेह सद्गुरु का परम ज्ञान ही सब भवबंधनों से मुक्ति दिलाने वाला है। सद्गुरु की सहायता के बिना बच नहीं सकता, फिर इस संसार सागर में डूब जाएगा। इस संसार सागर की विकराल भयावह स्थिति, जन्म मरण के दुख संताप आदि से केवल दयालु सद्गुरु ही बांग पकड़कर बचा सकते हैं। सद्गुरु की भक्ति शक्ति से पार हो जाएगा। राधा स्वामी जी।